हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं नहा धोकर आई हूँ। अभी बज रहे हैं 1, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा। और अभी मैंने नहाने धोनी करी है, थोड़े कपड़े वगैरह धोए हैं। बाहर मौसम में बारिश वाला हो रहा है। रात भर तक तूफान आ रहा था, इतनी बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि यार बादल ना फट जाए, डर लग रहा था। अकेले में तो डर ही लगता है। और आज मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल, जो कि मेरे फेवरेट हैं। मतलब मेरे घर में सबके फेवरेट है, बनती है। तो आज मैंने कढ़ी बनाई है। काफ़ी टाइम से कढ़ी खाने का मन कर रहा था। मौसम भी ठंडा ठंडा सा हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, और गरम गरम कढ़ी तो और मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने अपना हेड वॉश करा है, और मैं आजकल वो बत्रा वाले शैम्पू, सीरम एंड ऑयल लगा रही हूँ। तो वैसे मैं डेली शैम्पू नहीं करती हूँ, 2 दिन में एक बार करती हूँ। पता नहीं कब तक इसका असर होगा। अभी तो मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं लगाते हुए। और अब लगाते हैं हम अपना मॉइस्चराइजर, क्योंकि स्किन केयर करना भी बहुत। तो मैं छत में आई हूँ कपड़े डालने के लिए, और छत में इतनी तेज़ धूप आ रही है ना, अचानक से सुबह तक हो रहा था बारिश वाला मौसम। आज मेरी एक फ्रेंड टैटू करवा रही है। मतलब यार मुझे तो देख कर ही डर लगता है यार, टैटू को। वो बंदी दूसरा टैटू बनवा रही है। भाई साहब, मेरे अंदर तो इतनी गट्स नहीं है कि मैं यार अपने शरीर को कोई नुकसान पहुँचाऊँ। और उसने मुझे एक छोटी सी क्लिप भेजी कि वो आज अपने बेटे का नाम लिखवा रही है अपने हाथ पे। तो दोस्तों, मैंने दिन में खाई कढ़ी चावल, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि सो गई थी, मतलब 3 बजे सो गई थी, और अभी बज रहे हैं 5। मैं 2-2.5 घंटे से व्लॉग एडिट कर रही थी, और व्लॉग एडिट करते करते ऐसा सर दर्द होने लग गया ना। मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है, मतलब मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो अभी मैं पैसे लेकर आई हूँ, ये 30-40 रुपये पड़े थे मेरे पास चेंज, और सामने दुकान है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ लेकर आऊँ अपने लिए। मुझे लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। मतलब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, बट ऐसा क्या खाऊं। चॉकलेट खाने का मन नहीं कर रहा, पेस्ट्री केक वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन कुछ मीठा खाना है, पता नहीं क्या खाना है यार, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रही है ये। अभी ऐसा करते हैं, शॉप पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या है। अरे भाई, क्या मौसम हो रखा है। धूप सी भी आ रही है, बादल से भी लगे हुए हैं। अब तो मैं तेरे को लेकर ही दूंगी वीडियो में, मुझे नहीं पता। चुकी हूँ शॉप पर, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। ये चुपा चुप्स हैं, यहाँ पे नमकीन दिख रही है। शिबू, कुछ मीठा है? मतलब पता है कैसा टेस्ट है? बाहर ना हल्का सा पहले खट्टा मीठा लग रहा है, फिर अंदर क्रीम वाला जो मीठा टेस्ट आता है ना, वो आ रहा है। मतलब टेस्टी अच्छे हैं, और ये ज़्यादा च्यूई नहीं है। जो दूसरे वाले नहीं आते, वो ज़्यादा ही जिप से होते हैं, चिपकते हैं कुछ ज़्यादा ही ना, तो ये उनसे सॉफ्ट है। यहाँ पर काश्वी भी उठ गई, बैठ गई है और खेल रही है। यार ये टब ना हमें कैंटीन से वॉशिंग पाउडर के साथ मिला था, जिसमें मैंने इसके टॉयज रखे हुए हैं। अब मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। मैंने शिमला मिर्च निकाली, आज मैं शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी। और क्या आपको पता है कि शिमला मिर्च मेरी फेवरेट सब्जी है? मतलब फेवरेट, हाँ मुझे पसंद है। मतलब मेरे फ्रिज में कुछ होना हो, पर शिमला मिर्च हमेशा रहती है। अभी 7 बज रहे हैं, और पहले मैं ऐसा करती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, और पीते हैं अपना प्रोटीन पाउडर। पाउडर किसको बोला? प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक, टाइम टू टेक प्रोटीन। वैसे यार इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस चीज़ की मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं।
तो यहाँ पर सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है और मैं साथ साथ बनाऊंगी अब रोटी। आटा वैसे बना गूंथा हुआ रखा हुआ था मेरा सुबह का, तो मैं रोटी बना रही हूँ अभी। तो आजकल मेरा पता नहीं क्यों खाने का मन कर रहा है दलिया वगैरह। इसमें डाल लेते हैं चीनी, दूध पक चुका है तो अब इसमें डालेंगे चीनी। और यार प्लीज मेरा गैस इग्नोर करना क्योंकि मैंने खाना बनाया था, उसके बाद ये ऐसे मैसेज हो जाता थोड़ा। इसको करेंगे बाद में साफ, पहले अभी बना लेते हैं दलिया और करते हैं डिनर। और यहाँ पर कुकी मैडम अपनी राइम सुन रही है, और जब ये मैडम जी राइम सुनती है ना भाई, इनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता किसी में। मैं इसे अभी डिनर करवा रही थी और यहाँ पर ना इसी की प्लेट है ये, यहाँ पर ना ये आधी रोटी मैंने कुकी को खिलाई है, अब इसी प्लेट में मैं भी डिनर करूँगी। तो मेरा डिनर हो चुका है और अभी मैं बाहर खड़ी हूँ क्योंकि मेरे गेट पर अभी आया था शिबू, जो कि मेरे सामने वाले घर में रहता है, और वो मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आ रहा है। ये क्या है? चटनी, प्याज। बताओ ऐसे ऐसे मेरे पंखेज हैं, मेरे फैंस हैं। पंखेज नहीं यार, ये मेरा एक छोटा सा क्यूट सा देवर है जो अपनी भाभी के लिए चिज्जी लेकर आया है। देख रहे हो इतना ख्याल रखते हैं यहाँ पे मेरा। थैंक यू सो मच। वैसे मेरा डिनर हो चुका है लेकिन नहीं नहीं बहुत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गरम गरम है क्या? और नहीं तो क्या, अभी मैंने गरम ही तो कर रहे थे। अबे क्या बात कर रहा है यार, नहीं तो क्या, मजा आने वाला है। तो दोस्तों आप भी आ जाओ मोमोज खाने के लिए। थैंक यू यार। तो अभी शिबू मेरे लिए मोमोज लेकर आया था जो कि आंटी ने खुद घर में ही बनाए हैं, और यार ये ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, और जो चटनी थी ना वो तो इतनी टेस्टी थी क्योंकि ना ये प्योर मतलब टमाटो चटनी थी, और इसका जो टैंगी फ्लेवर था ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसमें। आंटी ने खुद वो भी घर में ही बनाई थी, थैंक्स टू शिबू एंड आंटी, थैंक यू सो मच। मोमोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो डिनर करने के बाद मैं गई मार्केट जो कि मेरे घर के दो गली पीछे ही लगता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है और यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़। तो मैंने यहाँ पर लिए पॉपकॉर्न जो कि मेरी सुंदरी को बहुत पसंद है, मतलब कुकी को बहुत पसंद है, और यार यहाँ पे ना मैं एक रोप ले रही हूँ और एक छोटा सा क्यूट सा कीचेन। यहाँ पर मैंने कुकी के लिए बबल मेकर लिया है, और अब मैं ले रही हूँ कुछ सब्जियाँ। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैं सब्जी लेकर आई थी, तो मैं कुछ सब्जी वगैरह लेकर आई थी। यहाँ पर एक नारियल लेकर आई हूँ, सब्जी वगैरह लेकर आई हूँ, और यार ये ना छत के लिए एक रोप लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी कपड़े सुखाने वाली ना ख़राब हो गई है, तो अब ये नई वाली लेकर आई हूँ, कल इसको लगाएंगे। तो दोस्तों हम लोग का डिनर हो चुका है और अभी मैं कर रही हूँ कुकी की मसाज। अब कुकी की मसाज कपड़े कर लिए हैं चेंज और अब हम करेंगे सोने की तैयारी। अभी बज रहे हैं 11। दोस्तों ऐसे ही था मेरा कुछ आज का दिन, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि। और वन मोर थिंग कि अभी ये मेरी दवाइयाँ चल रही हैं और मुझे 30% फ़र्क लग रहा है, मतलब मेरे बाल जो इतने सारे झड़ते थे ना वो थोड़े इतने हो गए अभी, और मुझे तो शायद ये सूट कर रही है। अब मेडिसिन सूट कर रही है, मेडिसिन सूट कर रही है या शैम्पू सूट कर रहा है आई डोंट नो, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है। हाँ जी बिट्टू बाय कर दो, बाय, गुड नाइट।